इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका से जहां आधी रात को कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर भारी हंगामा हुआ। देर रात सचिवालय के बाहर सेना एक्शन में आ गई और प्रदर्शनकारियों के तंबू उखाड़ने लगी, तो सेना ने प्रदर्शनकारियों के तंबू उखाड़े और उनको हटाया। इस वक्त मौजूद है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। कोलंबो में आधी रात का वक्त है, रात 2 बजे का वक्त है, और देखिए एक बार फिर से श्रीलंका के सड़कों पर टैंक उतरे हैं। ये राष्ट्रपति भवन के पास का इलाका है और ये वो इलाका है जहां पर प्रदर्शनकारियों के जो टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं उस इलाके के पास की तस्वीरें। देखिए श्रीलंका की आधी रात में सड़कों पर टैंक उतरे हैं और उस पर जवान बैठे हैं जिनके पास में कई हथियार हैं। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब राजधानी की सड़कों पर टैंक उतरे हों, टैंक खड़े हो गए, और एक आधे नहीं बल्कि कई सारे टैंक्स इस वक्त हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, आखिर ये क्यों उतरे हैं, उसकी वजह क्या है, यहाँ पर अचानक रात में आधी रात में ये हलचल क्यों बढ़ी है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारे सैनिक भी नज़र आ रहे हैं। मनोज हम दिखाना अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर सैनिकों का मूवमेंट भी हो रहा है, आखिर ये मूवमेंट क्यों हो रहा है उसकी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए सामने आधी रात का वक्त, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ तस्वीरें दिखा सकें और वो तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस वजह से क्योंकि अचानक रात में ये कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई हो रही है उस जगह पर जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया हुआ था, या ये कहा जाए कि जो पिछले जो है करीबन 104-5 दिनों से लगातार यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा था, जो उन्होंने टेंट्स बनाए हुए थे, जो उन्होंने जो है जगह जगह पर अपना जो प्रदर्शन कर रहे थे, स्टेजेस बनाए हुए थे, अब उनको हटाने के लिए आधी रात में ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सेना के जवान तैनात किए गए हैं और अब वही जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। साफ तौर पर देखिए इस वक्त जो पूरे इलाके में छावनी में तब्दील है, जगह जगह पर हथियारबंद इस तरीके से सेना के जवान मौजूद हैं और वो जो है अब ये जो यहाँ पर इनको आधी रात में इस वजह से उतारा गया है जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके टेंट्स को हटाया जा सके। और फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आइए मनोज हम इधर से देखिए कितनी बड़ी संख्या में जवान, यकीन मानिए इतनी बड़ी संख्या में जवान आम तौर पर आपको सड़कों पर नहीं दिखते हैं किसी भी हालात में, लेकिन ये सेना है, ये पूरी जो श्रीलंका की सेना है जो इस वक्त आधी रात में श्रीलंका की सड़कों पर मौजूद है। हथियारबंद सेना जो इस वक्त यहाँ पर, देखिए आर्मी जो है साफ तौर पर लिखा हुआ है, एबीपी न्यूज़ आपको आधी रात में ये तस्वीरें दिखा रहा है श्रीलंका की सड़कों से, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से। ये देखिए पुराना जो पुराना संसद भवन है जो कि राष्ट्रपति का सचिवालय है, उस पर जो है जो कब्जा था उसको हटाया जा रहा है। पूरे जो है यहाँ पर जो संसद भवन जो पुराना है, जो राष्ट्रपति कार्यालय है मौजूदा, वहाँ पर से जो है ये पूरा कब्जा हटाया जा रहा है। और देखिए साथ ही में यहाँ पर जितने भी टेंट्स लगे हुए थे, कुछ देर पहले तक यहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे और अब जो है उनको हटाया जा रहा है। इस वक्त जो है यहाँ से पूरे इलाके को खाली किया जा रहा है और जगह जगह पर, मनोज अगर हम थोड़ा नसी वहीं पर से जो है जूम करके दिखा सकें, क्योंकि सेना का इस वक्त जो है कार्रवाई चल रही है और उनके काम में हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते, इमरजेंसी लगी हुई है। और इस सबके बीच में हम जो है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आधी रात में किस तरीके से पूरे इलाके में इस वक्त जो है टैंक्स खड़े हुए हैं, जगह जगह पर आर्मी के जो है व्हीकल्स हैं वो मौजूद हैं, और अब जितने भी प्रदर्शनकारियों के जो ठिकाने थे, या ये कहा जाए जो 105 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था उसको कैसे हटाया जा रहा है, जो यहाँ पर कई जो है सेना के जो ट्रक्स खड़े हुए हैं आधी रात में और उसमें ये सामान भरा जा रहा है, ये जो ये तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पिछले 100-105 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद में जिस जो है देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर रनिल विक्रमसिंघे ने जब शपथ ली है उसके बाद में प्रदर्शन जो है थोड़ा सा हमको जो है कम भी होता हुआ नजर आया था। हालांकि आंदोलनकारियों का कहना था कि उनका ये आंदोलन यहाँ समेगा नहीं बल्कि यूं ही जारी रहेगा, और फिलहाल इस वक्त श्रीलंका की सड़कों पर आधी रात में ये कार्रवाई की जा रही है। और वैसे भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त जो है सेना जिस तरह से पहुँची है वो साफ इशारा कर रही है कि सेना को जो कमान दी गई थी वो उसका जो सेना के पास में अधिकार है कि पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और मनोज इधर आइए हमको ये यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारे पोस्टर बैनर्स ये लगे हुए थे और अब उन सबको
यहाँ से हटाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर टेंट्स बने हुए हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको तरह से यहाँ से खदेड़ा जा चुका है। और अब जो है फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीलंका की सड़कों से आधी रात की हैं, और इस वक्त जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि सेना ने ये जिम्मा संभाला है और जो प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाने का फैसला किया है और ऐलान किया था, और उसी की वजह से अब यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें, जब श्रीलंका की सड़कों पर आधी रात में सेना ने अपने टैंक उतारे, अपने जवान उतारे, और प्रदर्शनकारियों का जो ये पूरा इलाका गोल्डफेस ग्रीन का इलाका है जहाँ पर लगातार 100-105 दिनों से प्रदर्शनकारी मौजूद थे, अब उनके जो है टेंट्स को, उनके स्टेजेस को सबको हटाया गया है। और ये जो सचिवालय है, राष्ट्रपति का सचिवालय है, उसकी बिल्डिंग को भी उनके जो कब्जे से मुक्त कराया गया है। तो ये तस्वीरें हैं श्रीलंका की सड़कों से, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से आधी रात के दौरान, जब अचानक सेना टैंक समेत अपने जो कई वाहनों को लेकर के उतरी, हथियारबंद जो है सेना के जवान उतरे और उन्होंने की इस तरीके से ये कार्रवाई। तो एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं सीधे श्रीलंका की सड़कों से और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आधी रात में क्या है तस्वीरें, हमने और सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी ने यही दिखाने की कोशिश की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।